संजय लीला भंसाली ने अपनी महत्वाकांक्षी फिल्म पद्मावत को भव्य तरीके से रिलीज करने की तैयारी कर ली। खास बात यह है कि रिलीज की तैयारी इस तरह की गई है कि करणी सेना का विरोध भी बेअसर होता दिख रहा है। वायकॉम 18 ने भंसाली की इस विवादित फिल्म की ऑफिशियल रिलीज की तारीख घोषित कर दी है। फिल्म देश भर में इसी महीने की 25 जनवरी को रिलीज होगी। आईमैक्स 3D में भी देख सकेंगे। साथ ही इस फिल्म को आईमैक्स 3D में रिलीज किया जाएगा। इस तरह पद्मावत देश की पहली ऐसी हिंदी फिल्म होगी जो इस तकनीक पर रिलीज होने जा रही है। 3 भाषाओं में रिलीज होगी पद्मावत। खास बात यह है कि निर्माताओं ने फिल्म को हिंदी में ही नहीं अन्य 2 भाषाओं तमिल और तेलुगु में भी रिलीज करने का फैसला किया है। साउथ की ऑडियंस को टारगेट करने के लिए भी पूरी तैयारी हो गई है। 5 बदलाव के साथ US सर्टिफिकेट। बता दें कि सेंसर बोर्ड ने 5 बदलाव के साथ फिल्म को US सर्टिफिकेट जारी किया है। इसमें बदलाव में फिल्म का टाइटल भी शामिल है। अब फिल्म का नाम पद्मावती से पद्मावत होगा। राह में रोड़े अभी भी हैं बहुत। खास बात यह भी है कि फिल्म को लेकर भले ही निर्माताओं ने पूरी तैयारी कर ली हो लेकिन इसकी राह में अभी भी रोड़े बहुत हैं। करणी सेना का विरोध थमा नहीं है और भाजपा शासित राज्य भी हाथ खड़े किए हुए हैं। ऐसे में फिल्म का रिलीज होना मुश्किल भी दिख रहा है। न्यूज इंडिया के लिए वेब डेस्क से भानु दीक्षित की रिपोर्ट। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप न्यूज इंडिया .NIMS UNI पर हमें लाइक कर सकते हैं।